तो बहुत ही चकित हूँ और दंग हूँ अच्छे तरीके से Z5 का स्केल देख के और ये देख के कि इतने सारे भाषाओं में ये अब प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इसका कंटेंट अवेलेबल है. सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि न सिर्फ सबटाइटल लेकिन डबिंग में भी इन्होंने कंटेंट अवेलेबल किया है काफ़ी सारी भाषाओं में. सो आई थिंक कि सही में भारत के लिए एक भारतीय ऐप जिसमें भारतीय कंटेंट और इंटरनेशनल कंटेंट बहुत सारे भारत के वासियों के लिए और बाशिंदों के लिए अवेलेबल होगा. सो आई थिंक दैट्स रियली अमेजिंग एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा मैं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ और मेरा एक शो है जिसमें मैंने एक एपिसोड किया है उसके साथ इनकी शुरुआत हो रही है. दैट्स रियली एक्साइटिंग. नहीं, मुझे नहीं लगता है. मुझे लगता है कि फिल्मों का अलग चार्म है. मुझे लगता है कि फिल्मों का एक अलग रीच है. अब ये एक ऐसी ऑडियंस है जिसमें से शायद कई लोग थिएटर ना जाएं लेकिन अब वो अपने ऐप्स पे फिल्में देखेंगे. और ये एक्चुअली एक्सपीरियंस हमारा अनारकली और वारा के साथ हुआ जो शायद थिएटर में उतने लोगों ने नहीं देखी लेकिन जब वो टेलीविज़न पे आई और जब वो ऐप पे अवेलेबल हो गई और ऑनलाइन अवेलेबल हो गई तो बहुत सारे लोगों ने देखी. तो मुझे लगता है कि ये एक हमें इसे फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस के साथ कंपटीशन में नहीं देखना चाहिए. हमें इसे कॉम्प्लीमेंटरी तरीके से देखना चाहिए. नहीं, मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेके प्रोड्यूसर्स भी आई एम श्योर काफ़ी कॉन्शियस होंगे. और 3 से 4 दिन में तो सर पायरेटेड फिल्में ही आती हैं. आई डोंट थिंक कि Z5 जैसा प्लेटफॉर्म कुछ भी ऐसी चीज़ में एंगेज करेगा. मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से नए किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन के डील्स हो सकते हैं, नए किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न्स इमर्ज होंगे जो ऑल इन ऑल दर्शकों के लिए और आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा. एंथम तो कमाल था. आई मीन इट वॉज लवली. बहुत ही अच्छा लिखा हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया हुआ, बहुत बेहतरीन कैची म्यूजिक. सो आई रियली लाइक दैट. मुझे बहुत अच्छा लगा कि वी टॉक लाइक दिस राजा. बड़ा अच्छा लगा मुझे वो. थैंक यू. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी लाइफ में ये चाहते हैं कि चीज़ें इजी हो जाए, मतलब मेरे टाइम पे चीज़ें हो, हर चीज़ मैं अपने अनुसार देख पाऊँ. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अब मैं अपने टाइम के अनुसार अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें देख पाऊँगा, जो जिसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत सारा समय लगता था यार क्या करूँ, वो मैंने मिस कर दिया. वो इरफान वगैरह सब हमारे दोस्त हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, उनकी वो चीज़ मिस हो गई यार, नवाज़ की वो चीज़ मिस हो गई, ये हो गया, कहाँ देखूँ क्या ना करूँ. अब चीज़ जो है एक ही जगह पर अपने टाइम के अनुसार रिलैक्स होके शाम को 12:30 बजे 1 बजे जब भी ये देख पाऊँगा. नहीं, मेरी बहुत सारी फिल्में मिस हुई हैं, काफ़ी सारी फिल्में, इरफान की बहुत सारी फिल्में अभी मिस हो गई हैं, मैं देखूंगा खटखट करके. और नवाज़ की बहुत सारी, क्योंकि हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो वो बार बार कभी नवाज़ यार तूने मेरा वो नहीं देखा, तूने मेरा वो नहीं देखा, यार देखना है. भाभी जी घर पर है कि बहुत सारे एपिसोड मेरे से खुद से मिस होते हैं, अब मैं देख पाऊँगा. जैसे बहुत सारी अदर और लैंग्वेजेस के भी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं देख पाए हैं काफ़ी समय से, और जो देखनी है हम एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखना, तो वो देख पाएंगे. हाँ नहीं, रिवॉल्यूशन तो है नो डाउट. जैसा एक ने कहा कि ये चीज़ आपने लेट शुरू करी, लेट नहीं शुरू करे, जब जागे तब सवेरा वाली बात है. ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद. Ice creams, different variations of ice cream I'm gonna get. I just would love to first congratulate them, Mr. Puneet Goenka. It's a wonderful thing and wonderful platform for everybody, not only for the employees, also for the viewers, audience, because अब हम एक्टर्स को वो अपने हाथों में अपनी मुट्ठी में समेट सकते हैं, मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं, उनको टीवी पे घर जाकर मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग दैट वी आर आल्सो देयर ऑन मोबाइल, यू नो, स्मॉल गैजेट्स, व्हिच इज़ अ नाइस थिंग. एंड ZEE हैज़ बीन डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स रिसेंटली, सो दिस इज़ जस्ट वन एडेड फेदर ऑन द हैट्स एंड वी आर ग्लैड दैट दे आर डूइंग इट लाइक when we are around, right? Yeah, yeah, yeah. We are lucky to be a part of the ZEE family. Of course, revolution has already been started. Now ZEE is going to spread that revolution to some other level. And that some other level
I believe and I'm confident that the world is going to see soon. So yes. That revolution, yeah. So high five to ZEE5. Yeah, high five to ZEE5. Main ek cheez bolunga, when it comes to money, they're gonna make money, you know. When it comes to money, TRP, who cares TRP about money? Just TRP. Numbers. TRP just numbers, yeah. You know, the numbers more important as this. These numbers. Yeah. I didn't get you. Yeah, we generally are shooting the whole day, so we don't get a chance to watch my episode on OZ. Oh, yeah, that's another like digital platform. Yeah. So OZ is going to be across the countries, and we are glad because there are times when people, my relatives call me and they say, okay, we missed your show on TV today, how do we catch up? So then now I have an answer to give. Okay, download ZEE5. Yeah, it's easy to connect with us, for the audience. So wonderful. Thank you.